क्या क्या बनाया है? मटन बनाया है, पर अभी रोटी बनानी बाकी है। तो रोटी मैं सेक देता हूँ। चलो आओ। महेश से वो भी पीड़ित था। कैसा बन रहा है भाभी? चखना पड़ेगा। हाँ चखो चखो। मस्त। एक मिनट, हम चख ले। जैसे ही उसने यौवन रस को चखा, उसकी प्यास और ज्यादा भड़क गई। आटा गूंदना पड़ेगा। हाँ, बनाओ। जिसे वो गूंदने को आतुर हो रहा था। ऐसे नहीं। रेनू उसके इरादे भाप गई थी, लेकिन वो अपनी कामना पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, इस डर से क्या आटा है कि कहीं कोई आ ना जाए। इसे खोल लो बस और कुछ नहीं। लेकिन महेश के हाथ बेकाबू घोड़े की तरह मुलायम रेत के टीलों पर अनियंत्रित दौड़ रहे थे। क्या आटा है इस जगह? भाभी मैं गूंथू आटा। और आखिरकार रेनू की कामना के आगे उसका डर हार गया। ऐसे अब वो भी महेश का भरपूर साथ दे रही थी। किचन के अंदर चल रहे तूफान की आवाजों ने मेरे अंदर के तूफान को और भड़का दिया था। पूरे उफान पर था। और अब एक तूफान यहां भी भड़क चुका था।